तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए आज बीसीसीआई ने रिटेंशन प्रोसेस कंडक्ट कराया था। आज हमें पता चल चुका है कि आखिर कौन सी टीम ने कौन से प्लेयर्स को रिलीज किया है, कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया है। इसी के साथ आज हुए रिटेंशन प्रोसेस में यहां पर पांच बड़े प्लेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। पांच बड़ी ट्रेड्स हमें देखने को मिली है। मैं इस वीडियो में आपको उन सभी पाँचों ट्रेड्स के बारे में बताऊँगा और बताऊँगा कि कौन कौन सी टीमों ने ट्रेड किए, कौन से प्लेयर्स एक टीम से दूसरी टीम में पहुँच चुके हैं। तो ओवरऑल आईपीएल को लेकर, आईपीएल ऑक्शन को लेकर, ट्रेड विंडो को लेकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर आज कौन कौन से पांच प्लेयर्स ट्रेड हुए, कौन से पांच प्लेयर्स ने आखिर आज अपनी टीम बदल ली। इसमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स के डेनियल सेम्स का। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के डेनियल सेम्स अब आरसीबी में ट्रेड हो चुके हैं। आईपीएल 2021 के सीजन में हमें आरसीबी की तरफ से ये आईपीएल में खेलते हुए देखेंगे। हालांकि आरसीबी का ये काफी सही डिसीजन माना जा रहा है, जहां पर इस टीम ने क्रिस मॉरिस को रिलीज कर दिया है और बिग बैश लीग में डेनियल सेम्स का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा अपनी टीम के लिए। गेंद और बल्ले के साथ इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, तो काफी सही ट्रेड ये मानी जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम के ऑलराउंडर हर्षल पटेल भी अब आरसीबी की टीम में ट्रेड हो चुके हैं, आरसीबी की टीम में आ चुके हैं और आरसीबी की टीम का यह फैसला भी ठीक ठाक माना जा रहा है। जहां पर आरसीबी की टीम हर्षल पटेल को कुछ मैदानों में यूज कर सकती है, जहां पर यहां पर स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिलेगी वहां पर इनका यूज कर सकती है। मीडियम फेसर होने की वजह से वहां पर इनकी गेंदबाजी का यूज कर सकती है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रेड का आरसीबी का फैसला सही है या फिर नहीं। इसके साथ जो तीसरी ट्रेड होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है वो हो चुका है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर। दरअसल मैक्सवेल पंजाब की तरफ से रिलीज हो चुका है और मैक्सवेल की रिलीज होते ही यहां पर सीएसके की टीम ने मैक्सवेल के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ा दिया है और सीएसके की टीम को केवल एक ही विदेशी प्लेयर की नीड है। ये टीम वॉटसन को रिलीज कर चुकी है, केवल एक ही विदेशी प्लेयर को ये टीम अपनी टीम में इंक्लूड कर पाएगी। इस वजह से इस टीम ने यहां पर मैक्सवेल के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ा दिए है और अगर मैक्सवेल थोड़ी कम प्राइस में इस टीम में आ जाते हैं, मैक्सवेल ट्रेड हो जाते हैं, तो सीएसके के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रहा है कि सीएसके की टीम मैक्सवेल को ट्रेड कर लेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सीएसके का सही फैसला होगा या फिर नहीं। इसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है करुण नायर का। दरअसल करुण नायर को यहां पर ट्रेड करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम इनके पीछे आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स के पास काफी बड़ा 33 से 34 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है और करुण नायर को 5 करोड़ में ये टीम ट्रेड कर सकती है। तो करुण नायर की ट्रेडिंग को लेकर अब ये टीम यहां पर इनके पीछे आ चुकी है। इसके बाद इस लिस्ट में पांचवे और आखिरी नंबर पर नाम आता है लसित मलिंगा का। दरअसल लसित मलिंगा एमआई की टीम से रिलीज हो चुके हैं और केवल 2 करोड़ की प्राइस होने के कारण अब पंजाब की टीम इनको ट्रेड करना चाहती है। काफी अधिक पंजाब की टीम इनमें इंटरेस्टेड होने के कारण अब पंजाब की टीम इनके पीछे आ चुकी है। ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रहा है कि 4 फरवरी से पहले पंजाब की टीम में यहां पर मलिंगा ट्रेड हो जाएंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन टीमों का सही फैसला है या फिर नहीं और आप और कौन कौन सी ट्रेड देखना चाहते हो आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।